नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं स्पीड 790। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया, इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसीना होता है और वहाँ पे उनको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे आपको कौन से दवा का कौन से ऑइंटमेंट का यूज़ करना चाहिए जिससे आपको काफ़ी बेटर रिजल्ट देखने को मिल सके। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का आइकन आएगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस टाइम पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर लाल चकत्थे पड़ जाते हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजलाहट होने लगती है, तो वहाँ पे आपको कौन से दवा का और कौन से मलहम का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें आपको लेना है ऑक्सीकोनाजोल, जो कि जोडर्म ई के नाम से आता है, जो कि आपके सभी मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध मिल जाएगा, उसको आप परचेज कर लीजिए। और आपको जो कैप्सूल में लेना है, कैप्सूल में लेना है आपको इंट्रोकोनाजोल। इंट्रोकोनाजोल कैप्सूल आपके सभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध मिल जाएगा। आपकी उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर की है और अगर आपको आपके बॉडी के अंदर वीकनेस है तो वहाँ पे आपको आइट्रोकोनाजोल जो है 100 mg का लेना है, और अगर आप हेल्दी हैं तो वहाँ पे आपको आइट्रोकोनाजोल 200 mg का लेना है, और उसके साथ में आपको लेना है लियोसिट्रिजिन 10 mg का, जो भी आपके सब जो कि आपके सभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध मिल जाएगा। लीकोप के नाम से आता है और बहुत सारे नाम से आते हैं, तो इसको आप परचेज कर लीजिए दोनों, एक कैप्सूल एक टैबलेट को। तो जो आइट्रोकोनाजोल है ये आपको लगभग 10 से 15 दिन तक लगातार खाना है एक समय, और जो आपका लियोसिट्रिजिन है 10 mg का, इससे खुजलाहट में रिलैक्स मिलता है लियोसिट्रिजिन से, तो इसको आपको दोनों समय खाना है, सुबह भी और शाम को भी। खाना खाने के बाद में इसका प्रयोग करिए जो, और आपका जो इंट्रोकोनाजोल है ना ये आपको केवल रात में खाना खाने के बाद में आप इसको एक कैप्सूल ले लीजिए। अगर आप हेल्दी हैं तो 200 mg का, अगर आप हेल्दी नहीं हैं आपके बॉडी के अंदर थोड़ी वीकनेस है तो वहाँ पे आपको 100 mg का प्रयोग करना है। 10 से 15 दिनों तक इसका प्रयोग करिए लगातार। और जो जोडर्म ई के नाम से आता है ऑक्सीकोनाजोल ऑइंटमेंट, ये आप ऑनलाइन स्टोर से भी ले सकते हैं या फिर अगर आपके मेडिकल स्टोर पर मिल रहा है तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। इसका प्रयोग आपको दोनों समय करना है, अच्छे से प्रयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करिए कि आप सूती कपड़े पहने, और बहुत ज़्यादा जो है वो जो जैसे आप बहुत ज़्यादा कपड़े पहन लेंगे, जैसे जीन्स का पैंट पहन लेंगे या फिर और भी जो है हैवी क्लॉथ पहन लेंगे, तो उससे आपके बॉडी के ऊपर पसीने जमा हो जाएंगे और खुजलाहट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप हल्के कपड़े पहने और इन सारे मेडिसिन का प्रयोग करें, इनके प्रयोग से आपको 100% रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर आपका दांत जो है 2-3-4 साल पुराना है तो आप एक 10 से 15 दिनों तक इन दवाओं का प्रयोग करके देखिए, और अगर इससे आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप नियरेस्ट किसी स्किन डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। जो महिला प्रेग्नेंट है वो इसका प्रयोग ना करें, वो केवल ऑइंटमेंट का प्रयोग करें, बाकी सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की है, और जो हेल्दी हैं, जो शुगर के पेशेंट नहीं है फिर ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं है, वो सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को कोई अदर प्रॉब्लम है तो दवाओं का प्रयोग ना करें, केवल जोडर्म ई मलहम का प्रयोग करें। तो आई होप कि आपको वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी, और अगर कोई जानकारी छूट गई जो हमने आपके साथ में ना प्रोवाइड किया तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।